subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल चौहान। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल क्रेजी आरसी पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। और अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, आज हम गुजरात के भावनगर जिले में स्थित हस्तगिरी जैन तीर्थ के बारे में बात करेंगे, जो पालीताना से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए उसकी कुछ खास बातों के बारे में जानते हैं। पालीताना से 25 किलोमीटर की दूरी पर हस्तगिरी जैन तीर्थ गुजरात में पालीताना के पास स्थित एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है। शेत्रुजया नदी के तट पर एक पहाड़ी पर स्थित यह गुजरात में लोकप्रिय जैन तीर्थ स्थानों में से एक है और पालीताना में अवश्य जाना चाहिए। हस्तगिरी जैन तीर्थ भगवान ऋषभदेव या श्री आदिश्वर भगवान को समर्पित है। इस पहाड़ी भूमि को हस्तगिरी के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के इतिहास के अनुसार इस स्थान को भगवान आदिश्वर के समय का एक पवित्र स्थान माना जाता है। पवित्र स्थान भगवान आदिश्वर के सबसे बड़े पुत्र भरत चक्रवर्ती द्वारा स्थापित किया गया था। आज भी कोई भी बहुत प्राचीन पहाड़ी पर एक छोटे से मंदिर में भगवान के पैर के चित्र देखे जा सकते हैं। भरत चक्रवर्ती ने यहाँ मोक्ष प्राप्ति किया था। उन्होंने व्रत को मृत्यु प्रयत्न मनाया था और यहाँ मोक्ष प्राप्त किया था। राजा के हाथी ने भी उसका अनुसरण किया। इस प्रकार इस तीर्थ को श्री हस्तगिरी तीर्थ भी कहा जाता है। अब इस पर्वत पर एक बड़ा और विशाल मंदिर है, जिसे 1979 में बनाया था और संरक्षित किया गया था। 9 एकड़ क्षेत्र में फैला हस्तगिरी जैन तीर्थ एक अष्टकोणीय आकार का जैन मंदिर है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में 4 कार्डिनल दिशाओं के सामने ऋषभदेव की 4 मूर्तियां है। गर्भगृह के पास गुंबद में जटिल नक्काशी है, जो सौंदर्य में माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों के नक्काशीदार गुंबदों के समान है। बाहर बहुत तीर्थकरों के लिए मामूली जिनालय है। यहाँ मंदिर माउंट के 38 किमी प्रसिद्धि वाले तीर्थ स्थल का भी एक हिस्सा है। शत्रुजय हस्तगिरी एक पहाड़ के ऊपर है, जिस पर सड़क के साथ साथ चढ़ाई तक भी पहुंचा जा सकता है। पहाड़ की चोटी से माउंट की दृष्टि, शत्रुजय मंदिर एक तरफ और माउंट के दूसरी ओर कदमागिरी आंखों को एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। जगह के आसपास प्राकृतिक सौंदर्यता बहुत आकर्षित करती है। मंदिर के आसपास के क्षेत्र में तीर्थ यात्रियों के लिए धर्मशालाएं और भोजनशालाएं हैं और वहां जाने का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 6:30 बजे का है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करना।